हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को क्लास टेंथ के सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड को पढ़ाएंगे। ए लेटर टू गॉड ये जो लेसन है, आज ये लेसन जो है इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे की वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज या वर्ड मीनिंग जो भी रहेंगे वो भेजी जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है फर्स्ट लेसन को और सेकंड लेसन को भी हमारे इस विद्यालय के वीडियो के माध्यम से पूरा पढ़ा। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो आप लोगों की समस्याएं हैं जैसे वर्ड मीनिंग है या जो क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं, हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारे यहाँ के सारे अध्यापकों के द्वारा आपकी हर समस्या का सटीक और समुचित समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस लेसन को एकदम द एंड यानी आखिरी पैसेज, पैसेज नंबर 7 और पैसेज नंबर 8 को पढ़ाते हैं। इससे पहले आप लोगों ने 6 पैसेज तक पढ़ा कि लैंचो एक गरीब किसान रहता है, उसकी फसल बारिश से बर्बाद हो जाती है और वो अपने बच्चों से कहता है कि अब हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, और वो रात भर बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और तब उसे उम्मीद आती है कि मुझे ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए। अंत में वो समस्याओं को विचार करते हुए अंत में ईश्वर की तरफ मुखातिब होता है और ईश्वर के लिए जो है एक पत्र लिखता है और ईश्वर से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे जो है जब तक मैं दोबारा खेतों में मेरे फसल ना आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए और मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे जो है 100 pieces यानी 100 pieces आप जो है भेज दीजिए। उस पते उस पर जो है उस पत्र पर वो जो एड्रेस लिखा जाता है उस पर लिखता है भगवान को, यानी भगवान का नाम लिखता है और उस पत्र को स्वयं जाकर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। जब जो है पोस्टमैन उन लेटरों को कलेक्ट करने आता है या उन पत्रों को ले जाने आता है तो वो देखता है कि इसमें सारे पत्रों में एक पत्र भगवान के पते वाला है, तो वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि ये किसी ने मजाक किया है, और वो स्वयं हंसते हुए इस पत्र को लेकर अपने क्लर्क यानी जो पोस्टमास्टर रहते हैं उनके पास जाता है और उनको पत्र दिखाता है। और जो पोस्टमास्टर रहता है वो एक हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति रहता है और नेक व्यक्ति रहता है। वह उस पत्र को देखता है तो पहले हंसी भी उसे खूब आती है, और जब उसे खूब हंसी आती है तो वो फिर कहता है चलो इस लेटर को ओपन करो, देखो अंदर में क्या लिखा है। जब वो उस पत्र को देखते हैं, खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं तो लैंचो की सारी समस्याओं का लैंचो ने जिस प्रकार वर्णन किया था उसे सुनकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम इसके पत्र का हम लोग जवाब दें। लेकिन जब वो पत्र को उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि पत्र का जवाब देने के लिए केवल अच्छी भावनाओं, कागज और स्याही के अलावा कुछ अन्य चीज की भी जरूरत थी, और वह चीज पैसा था जो कि 100 pieces यानी 100 pieces था। 100 pieces उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी, जिस प्रकार आज के समय में 60,000-70,000, उसी प्रकार 100 pieces एक बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए उस पोस्ट ऑफिस में जितने कर्मचारी थे सब लोगों ने अपना अपना सैलरी से एक हिस्सा दिया, सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद की, लेकिन सब लोग मिलकर भी 100 pieces की व्यवस्था नहीं कर पाए। और बताया गया आप लोगों को मोर देन हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, और मोर देन आधे से थोड़ा अधिक, यानी 100 का आधा 50 हो गया, 50 से थोड़ा अधिक यानी कि 70 pieces उन्होंने भेजा, 30 pieces वो लोग नहीं भेज पाए। इस प्रकार से जब लैंचो जो है उस पैसे को देखता है तो बहुत क्रोधित होता है, और क्रोधित होता है, गुस्सा लगती है, उसके बाद वो जो है क्या करता है, आज यही कहानी जो है 7 और 8 पैसेज में पढ़ाई जाएगी। देखिए लैंचो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहां जो है पैसे के साथ में पोस्टमास्टर उसको वो जो है जो पैसे वो लोग दिए रहते हैं वो उसके साथ एक लेटर देता है जिस पर लिखा रहता है भगवान को, यानी भगवान यानी कि भगवान ने पैसों को भेजा है। तो कहानी में देखिए लैंचो जो है जब उस पैसे को देखता है तो क्या करता है, पैसेज नंबर 7 से सब लोग मैच कर लीजिएगा। लिखा हुआ है लैंचो सोड नो नॉट स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ऑन सीइंग द मनी पैसे को देख करके लैंचो सो नॉट स्लाइटेड सरप्राइज, लैंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। The money such was his confidence, उसे विश्वास था कि उसे यह पैसा अवश्य मिलेगा।
बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह गुस्से में आ गया, वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस पैसे को गिना और उसने सोचा गॉड कुड नॉट सच हैव मेक अ मिस्टेक, ईश्वर कोई भी गलतियां नहीं कर सकता, प्रभु किसी प्रकार के यानी ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, नॉर कुड ही डिनेड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही डिने कर सकता है, मना कर सकता है जिस पैसे के लिए लेंचो ने उनसे अनुरोध किया था, या जो पैसा लेंचो ने ईश्वर से मांगा था, ईश्वर ना तो कोई गलती कर सकता है और ना ही मुझे देने से मना कर सकता है, लेंचो ने इस प्रकार अपने मन में सोचा। इसके बाद लेंचो ने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो खिड़की के पास पहुंचा पोस्ट ऑफिस के, टू आस्क पेपर एंड इंक, उसने जो है पेपर और स्याही को मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिखने वाली मेज पर, ठीक है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, यानी उसने भगवान को फिर एक पत्र लिखा, विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और ब्रो का मतलब होता है भौंहें, और जब वो लिख रहा था तो उसकी भौंहें बहुत ही सिकुड़ रही थी, यानी अपने भाव को बहुत सिकुड़ कर लिख रहा था, यानी कि वो अपने पूरे मनोभाव को उस पत्र में व्यक्त करना चाहता था, क्यूज्ड बाय द एफर्ट्स, और उसकी भौंहें वो जो है ट्विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भावों को इस प्रकार से सिकोड़ रहा था, क्यूज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक एंड एक्सप्रेस हिज आइडिया, कि ऐसा लग रहा था कि अपने सभी विचार को इस पत्र में व्यक्त कर रहा है। आगे देखिए, When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window, वह जो है विंडो खिड़की के पास पहुंचा, to buy a stamp, उसने एक स्टाम्प खरीदा, which he licked, जिसने जिसको जो है उसने अपनी जीभ से चाटा, यानी स्टाम्प को, and the affixed to the envelope, और उसने जो है उसको स्टाम्प को उस लिफाफे पर चिपका दिया, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के दबाव से, यानी हाथों से ठोक कर उसने जो है उस स्टाम्प को उस लिफाफे पर चिपका दिया। आगे देखिए, द मोमेंट, और उसने उस पत्र को जो है पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इसके बाद क्या होता है, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस समय वह पत्र उस पत्र पेटिका में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड, तो पोस्ट मास्टर जो है उस पहुंचता है तुरंत, उसको निकालता है और उसे जो है ओपन करता है, इट सेड, उसमें जो है लिखा हुआ था, यानी लेंचो ने क्या लिखा था जानिए, पैसेज नंबर 8 से, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीस सोज रीच मी, लेंचो क्या लिखता है, गॉड हे ईश्वर ऑफ द मनी, वो पैसा दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोस, जो पैसे जिसके लिए मैंने आपसे डिमांड की थी, जो पैसा आपने मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच मी, केवल अभी तक मेरे पास 70 पीसोस ही पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष बचा हुआ पैसा भी भेजिए, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरत है। आगे लेकिन लेंचो एक विशेष बात लिख देता है, बट डोंट सेंड इट टू द थ्रू द मेल, परंतु इस बार इस पैसे को मेल से यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इंप्लाइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ये सभी लोग जो हैं ठग हैं, बेईमान हैं, धोखेबाजों के एक बंच हैं, यानी कि धोखेबाजों की एक यहां पर समूह है या ठगों की टोली है। इस प्रकार जो है लेंचो पत्र को लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करके इस पत्र पेटिका में डाल देता है, और जब पोस्टमास्टर पढ़ता है तो वो इसी बात को समझता है, यानी कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि लेंचो जो गरीब किसान था उसका ईश्वर के ऊपर विश्वास दर्शाया गया कि उसका जो है ईश्वर के ऊपर कितना विश्वास था, परंतु ईश्वर के ऊपर जो लेंचो का विश्वास था वो इतना अधिक था कि वो जो है थोड़ी सी मूर्खता करता है, उसको यह विश्वास नहीं था, यह जानकारी नहीं थी कि कोई भी ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को पैसा नहीं भेजता है, और जब जो है उसे कम पैसे मिले तो वो उसके लिए जो है उन्हीं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को दोषी ठहराता है जो लोग उसे पैसा भेजते हैं। इस प्रकार जो है ये पूरी कहानी हमारे विद्यालय MDI के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों को पढ़ाई गई। आगे अगले वीडियो में हम आप लोगों को एक नए लेसन के साथ
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।